शिवपुरी शहर को स्वच्छ बनाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने सड़क पर उतरकर बाजार में नागरिकों को शहर को कैसे स्वच्छ बनाया जा सके इस संबंध में जागरूक किया। प्रशासनिक अधिकारियों में कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी, एसएसपी राजेश सिंह चंदेल, नगरपालिका सीएमओ और नगरपालिका अध्यक्ष समेत कई अधिकारियों ने शिवपुरी शहर की सड़कों पर भ्रमण किया और बाजार में जाकर दुकानदारों को भी स्वच्छता का पाठ पढ़ाया। शिवपुरी शहर को किस तरह स्वच्छ रखना है इसके दुकानदारों को निर्देश दिए गए। साथ ही हर दुकान पर डस्टबिन भी रखवाया गया ताकि कचरा डस्टबिन में डाला जा सके। अगर कोई भी दुकानदार द्वारा स्वच्छता को लेकर लापरवाही बरती गई तो उन पर अब चालानी कार्यवाही भी की जाएगी। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। आज शहर के मुख्य बाजार में पैदल भ्रमण किया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है? आज शहर में जिले के कलेक्टर साहब, जिले के एसपी साहब, एसएसपी साहब और नगरपालिका के सभी अधिकारी कर्मचारी और जिला प्रशासन के सभी अधिकारी साथ में थे और उन्होंने शहर भ्रमण में स्वच्छता को लेकर एक संदेश दिया। दूसरा, जहां रोडों पे, नालियों पे अतिक्रमण है, उन नालियों को साफ करने के लिए अतिक्रमण हटाएं और नाली को मुक्त करके बढ़िया सुंदर बनाएं और जहां रोडें खराब हैं वहां पेवर्स लगाएं और हमारे जो कोट रोड पे ठेले खड़े हो जाते हैं जगह जगह, तो आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशानी होती है, तो उनको व्यवस्थित ढंग से एक तरफ लगाएं और जगह जगह गाड़ियां जो खड़ी रहती हैं मोटरसाइकिल वगैरह, उनके लिए बैरिकेड लगा के एक निश्चित जगह शहर में 2-3 जगह बनाई जाए, उन गाड़ियों को वहां व्यवस्थित किया जाए तो शहर का आवागमन सुंदर, सुचारू, साफ सुथरा रहेगा। दुकानों पर डस्टबिन वगैरह भी रखे गए हैं। सफाई की व्यवस्था को देखते हुए हमारे दुकानदार क्या करते हैं, कचरा रोड पे फेंकते हैं, तो जिन लोगों पे डस्टबिन नहीं थी उनको डस्टबिन देके और स्वच्छता का उनको हवाला दिया कि आपको अपनी दुकान सुंदर स्वच्छ बनाना है, रोड सुंदर बनाना है, स्वच्छ बनाना है, अपना दुकान का जितना भी कचरा है डस्टबिन में डालो, डोर टू डोर गाड़ी में डालो। दुकानदारों पर कोई चालानी कार्रवाई की गई? जैसे किसी दुकानदारों पर गंदगी मिलती है तो उस पर कोई चालानी कार्रवाई? आगे के लिए वार्निंग दी है, अभी कोई चालानी कार्रवाई नहीं की? अभी नहीं की, आगे के लिए उनसे कहा है कि अगर आगे से आपकी दुकान के आगे कचरा मिलता है या अपनी दुकान का कचरा आप गाड़ी में न डाल के सड़क पे डालते हो तो आप पे जुर्माना किया जाएगा। कितने का जुर्माना किया? 500 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। 500 रुपए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।